जी हाँ, स्नैपचैट के ऊपर आपको भी एक प्रॉब्लम जो है वो आती होगी, जब भी आप भैया जी अपने मोबाइल की गैलरी से किसी को भी स्नैप्स वगैरह सेंड करते हो तो ऐसे में ऊपर लिखा आ जाता है मीडिया अपलोडेड, यानी कि भैया जी ये स्नैप जो सेंड हुई है ये आपकी मोबाइल की गैलरी से सेंड हुई है, और दूसरे बंदे को पता चल जाता है ये इसकी करंट या अभी की फोटो नहीं है, ये इसकी काफी पुरानी फोटो है जो कि इसने गैलरी से जो है मुझे अपलोड की है। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको यही बताने वाला हूँ कैसे आप इस चीज को फिक्स कर सकते हो, वो भी सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट के अंदर। जानने के लिए देख इंटरनेट के ऊपर काफी ऐसी वीडियोस मिल जाएंगी जिसमें आपको बताया गया है स्नैपचैट अनइंस्टॉल कर दो, ये कर दो, वो कर दो, ऐसे कर दो, वैसे कर दो, आपका मीडिया अपलोडेड का प्रॉब्लम जो है वो सोल्व हो जाएगा। लेकिन आपको मैं भैया जी वीडियो के शुरू में भी बता देता हूं कि ये प्रॉब्लम जो है वो आपकी सोल्व नहीं होगी अगर आपने अपने भैया जी स्नैपचैट अकाउंट को अप टू डेट कर लिया। जी हाँ, ये स्नैपचैट की जो है वो नई अपडेट है कि अगर आप अपनी गैलरी से किसी भी किस्म के स्नैप को सेंड करते हैं तो वहां पर लिखा आ जाएगा मीडिया अपलोडेड, यानी कि आपको भैया अब करंट फोटोज ही जो है वो भेजनी पड़ेंगी। तो ऐसे में इस चीज को हम फिक्स भी कर सकते हैं। वो कैसे, आपने सिंपली करना क्या भैया जी, आ जाना है प्ले स्टोर के अंदर। प्ले स्टोर के अंदर आओगे तो यहां पर आपने मेक श्योर कर लेना है कि आपका स्नैपचैट जो है वो अपडेट है। काफी लोगों को ये प्रॉब्लम तभी आई है जब उन्होंने अपना स्नैपचैट जो है वो अपडेट किया, तो ऐसे में हम जो है वो अपडेट कर लेते हैं। अगर आपने अपडेट किया था फिर प्रॉब्लम आपको ये फेस करने को मिल रही है, फिर आपने सिंपली करना क्या भैया जी, आ जाना स्नैपचैट के अंदर, ऐप इन्फो के अंदर जो है वो आपने चले जाना। यहां पर ऐप इन्फो के अंदर जाओगे तो नीचे आपने आना स्टोरेज के अंदर, स्टोरेज के अंदर आओगे तो यहां पर आपने क्लियर डाटा कर देना। जैसे ही आप क्लियर डाटा कर देंगे तो यहां पर जो है वो आपने चले जाना भैया जी गूगल क्रोम के अंदर। गूगल क्रोम के अंदर जाओगे तो यहां पर आपने भैया जी गूगल को जो है वो ओपन कर लेना। यहां पर आपने लिखना है स्नैपचैट ओल्ड वर्जन, ठीक है। तो जैसे ही आप ये लिखेंगे फर्स्ट या सेकंड ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो आ जाएगी। यहाँ से आपने जो है वो भैया जी स्नैपचैट का पुराना, जी हाँ, वर्जन जो है वो आपने इंस्टॉल कर लेना है। ऐसे में है क्या, नए अपडेट के साथ अगर स्नैपचैट यूज़ करोगे तो भैया जी ये आपकी प्रॉब्लम जो है सोल्व नहीं होने वाली, क्योंकि स्नैपचैट की ये नई अपडेट है। जी हाँ, बार बार मैं बता रहा हूँ, स्नैपचैट की ये नई अपडेट है। अगर आपने अपडेट अभी नहीं किया तो अपडेट ना करना अगर आप चाहते हैं कि भैया जी ये मीडिया अपलोडेड का प्रॉब्लम जो है वो आपको फेस करने को ना मिले। लेकिन अगर अपडेट कर लिया फिर भी प्रॉब्लम आ रही है तो फिर आपको पुराना ही व्हाट्सएप जो है वो वापस इंस्टॉल करना पड़ेगा, वो भी मैंने आपको बता दिया। फ्यूचर में ये फीचर जो है वो भैया जी अब हमेशा ही रहेगा, आप इसे हटा नहीं सकते। अगर आप काफी वीडियोस देख रहे हैं ना, ये कर ले वो कर ले, कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये नई अपडेट है, आप इसे नहीं हटा सकते। अगर हटाना चाहते हो तो पुराना स्नैपचैट जो है वो भैया जी इंस्टॉल कर लो। तो ऐसे में अगर आप वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करो, हो सके तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करना। अगर आप वीडियो चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। और मिलते हैं नई वीडियो में, अब तक ले जाता हूं सब लोगों से इजाजत, गुड ब्लेस।